आखिरकार निमकी शादी के लिए तैयार हो ही गई। कल तक जो शादी के लिए मना करती थी, आज वो एक बार फिर खुशी खुशी दुल्हन बनकर आ गई है बब्बू सिंह को जयमाला पहनाने। मगर न जाने क्यों बब्बू सिंह खुश नहीं। जयमाला के लिए आई निमकी से वो माला पहनना ही नहीं चाहते। उनके दोस्तों ने उन्हें ऊपर उठा लिया तो निमकी ने कह दिया कि वो ऊपर नहीं उठेगी, बब्बू सिंह को माला पहननी है तो नीचे आ जाएं। ठीक है, उठाए रखिए, मम्मी भेज करते हैं। दी, क्या बोल रही है? ठीक है, तो कह रहे हैं ये लोग हमको बोतल पूछते हैं, हमारे साथ खेल लगे लेंगे। उठाए रखिए, हम भी देखते हैं ऊपर कितना देर तक रहते हैं। अब बेचारे दोस्त भी कब तक बब्बू सिंह जैसे पहाड़ को उठाए खड़े रहते, तो उन्होंने बब्बू सिंह को कुछ ही देर के बाद उतार ही दिया और निमकी ने झट से बीडीओ बाबू को बुला लिया। बीडीओ बाबू ने निमकी को उठाया और निमकी ने बब्बू सिंह को जयमाला पहना दी, क्योंकि निमकी कहती है ना, बीडीओ बाबू है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। देखिए कैसे काम हो गया हमारा, बीडीओ बाबू है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। निमकी बहुत खुश है और खुशी से बब्बू सिंह के साथ फोटोज खिंचवा रही है। बब्बू सिंह का मुंह फूला हुआ है, बेचारा कभी निमकी को तो कभी अपनी माँ को देख रहा है। निमकी क्या जाने कि उसकी सास क्या चालाकी कर रही है। उसके लिए तो उसकी सास वर्ल्ड की बेस्ट सास है। सासू माँ तो सपोर्ट में नहीं है, बट वो निमकी को लगता है कि उनके सपोर्ट में, बिकॉज निमकी अपने खुद के वर्ल्ड में रहती है एंड शी थिंक्स कि वो बेस्ट घर है उसके लिए जाना। और जब वो डायलॉग मारती है कि अपना देखते हैं ऊपर तक पहुंच पाती है कि नहीं, और उतरने को कहती है बब्बू को, सो वो दैट इज़ जस्ट यू नो इन अ वेरी डिफरेंट वे जो निमकी समझ नहीं पाती है। निमकी का सपना पूरा होने जा रहा है। टुन्ने और बीडीओ बाबू का दिल टूट गया है। निमकी इस बात से बिल्कुल अनजान है और शादी की खुशी में ससुराल की बब्बू सिंह की सच्चाई को भी अनदेखा कर रही है। न जाने क्या होगा निमकी का इस शादी के बाद। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।